इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे फार्मूले को कवर करेंगे। वन मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 यूनिट होता है। 6.023 इंटू 10^23 इक्वल टू एन ए, दैट इज एन ए इज द एवोगैड्रो नंबर, एन ए इज द एवोगैड्रो नंबर। वन मोल एटम इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 एटम। नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन 6.022 इंटू 10^23 आर। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेटेड बाई नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। वन मोल इक्वल टू एम ग्राम, एम इज द मोलर मास, दैट इज अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वन मोल के इक्वल हो जाता है। नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू अपॉन एम, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू एन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4। दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इक्वल टू बी अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे मैं जितने भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं सबको एक साथ समराइज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी डब्ल्यू अपॉन एम, वी अपॉन 22.4। ये तीनों ही फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। यदि ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ए का नंबर ऑफ मोल एन वन होगा और बी का एन टू होगा, तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे, एन वन प्लस एन टू। तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, एन वन प्लस एन वन अपान एन वन प्लस एन टू, और मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, एन टू अपान एन वन प्लस एन टू। दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपान टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू वन होता है। मोलरिटी एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज मोलरिटी इक्वल टू एन बाई बी, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इन टू वॉल्यूम। इफ इफ टू आर इफ इफ टू आर मोर सॉल्यूशन आर मिक्सड, देन मोलरिटी फाइनल इक्वल टू सम ऑफ ऑल मोलरिटी, दैट इज मोलरिटी फाइनल इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, दैट इज ऑल। तो एम मोलरिटी फाइनल इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। एम रिजल्टेंट मोलरिटी रिजल्टेंट क्या होगा, एम वन वी वन एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो इस तरीके से मोलरिटी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, और डिराइव करके हम बता सकते हैं कि मोलरिटी रिजल्टेंट इक्वल टू वी वन प्लस वी टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट इज स्मॉल एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एन इक्वल टू एम स्मॉल एम, दैट इज मोलरिटी मोलैलिटी इन टू डब्ल्यू। फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन एफ। एन एफ क्या है, नंबर ऑफ एच प्लस आर नंबर ऑफ ओ एच माइनस फॉर एन एसिड आर बेस, बाय द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट मास आर कैलकुलेटेड।
अब बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवेन वेट अपान इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। या इसे और कह सकते हैं गिवेन वेट अपान मोलर मास इंटू एन एफ। गिवेन वेट अपान मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है तो नंबर ऑफ मोल इंटू एन एफ कर देंगे तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवेन वेट अपान इक्विवेलेंट मास पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला है गिवेन वेट अपान मोलर मास इंटू एन एफ, तीसरा फार्मूला एन इंटू एन एफ। अब हम देखेंगे नॉर्मलिटी एन। नॉर्मलिटी एन कैसे डिटरमाइन करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नॉर्मलिटी एन इक्वल टू एन इंटू एन एफ अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, एन इंटू एन एफ अपान वॉल्यूम। ग्राम, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? एन इंटू एन एफ होता है। अब बात करेंगे नॉर्मलिटी फिर से। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नॉर्मलिटी एन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान वन लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा वही क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है। एक लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है? इट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल। एन इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू एन इंटू एम। यहाँ पे एन क्या है? एन इंटीजर है जिसे हम बैलेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं। एन इंटू एम, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। एन इक्वल टू एन इंटू एम। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम टाइप के। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एम वॉल्यूम इन एम एल। पार्ट पर मिलियन पीपीएम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10^6। यहाँ पे जो डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, डब्ल्यू बी है वो मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ए क्या है? वी ए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वी बी होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस के यूनिट देख लेते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10^3 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10^-6 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10^-2 मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10^-3 मीटर, 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। प्रेशर का देख लेते हैं। 1 ATM इक्वल टू 1.008 टार, 1 ATM इक्वल टू 760 मिलीमीटर और 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। 1 ATM इक्वल टू 1 × 10^5 पास्कल। वॉल्यूम का देख लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1 dm³ या 1000 cc या 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वर्क इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस ये सब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे फार्मूले कवर्ड हो गए। बस इतना ही फार्मूला है। ओके, थैंक यू।